राहुल एक बहुत शरारती बच्चा था। वो हर समय कुछ न कुछ गड़बड़ ही करता रहता था। सभी बच्चे अपना होमवर्क निकालो। और मिस राहुल के पास आई। राहुल, रोज की तरह तुमने होमवर्क तो किया ही नहीं होगा ना? नहीं मिस, मैंने किया था, पर क्या हुआ ना कि जब मैं स्कूल आ रहा था तभी मेरी किताब एक कुत्ते ने खींच ली और वो उसे लेके भागने लगा। मैंने उसका बहुत पीछा किया पर वो नहीं मिला। एक और झूठ, तुम्हारा तो रोज का है, बाहर जाओ, कान पकड़ के खड़े रहो। राहुल बहुत हंसी खुशी क्लास के बाहर गया और कान पकड़ के खड़ा हो गया। राहुल की टीचर ने उसको सजा दी, पर राहुल तो खुश था। चलो अच्छा हुआ, अब ये टीचर का जबरदस्ती का भाषण तो नहीं सुनना पड़ेगा। स्कूल खत्म हुआ और राहुल हंसते खेलते अपने दोस्त के साथ घर की ओर निकल पड़ा। उसने अपने बैग से एक बोतल निकाली। ये देख मेरा कलेक्शन, तू कीड़े जमाता है? हाँ, देख देख कितने अच्छे हैं ये बाहर नहीं निकलेंगे ना? अगर ढक्कन खोलूंगा तो जरूर, पर तू इन्हें इकट्ठा कैसे करता है अपने हाथों से? और कैसे बुद्धू, मेरा मतलब तुझे डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी तरह डरपोक थोड़ी हूँ। रुक, तुझे दिखाता हूँ। राहुल यहाँ वहाँ जमीन पर देखने लगा। उसे एक छोटा कीड़ा दिखा। उसे देख, मैं उसे पकड़ता हूँ। राहुल बहुत धीरे से उस कीड़े के पास गया और लपक के उसे पकड़ लिया। देखा? तभी उसके पैरों को कुछ टकराता है। ये क्या है? दोनों मिलके उस जगह खोदते हैं। ये तो एक पुरानी पेंसिल है, पर कोई नहीं, मैं रख लेता हूँ। राहुल उस पेंसिल को अपनी जेब में रख लेता है और घर की ओर निकल पड़ता है। राहुल अपने घर पहुंचा। आ गए साहबजादे, तुम्हारे घर आने से पहले तुम्हारी शिकायत आ जाती है। माँ, आज भी तुमने अपना होमवर्क नहीं किया था ना? माँ किया था, पर होमवर्क कुत्ता ले गया। नया बहाना, लेकिन अब नहीं, अब से जब तक तुम होमवर्क नहीं करते तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। भूखे रहो और होमवर्क करो। राहुल जबरदस्ती किताब खोलता है। माँ, मेरे पास पेंसिल नहीं है, मैं होमवर्क कैसे करूँ? मुझे नहीं पता, अभी 2 दिन पहले ही तुम्हें पेंसिल्स लाकर दी थी। कुछ भी करो और अपना होमवर्क खत्म करो। राहुल सोचने लगता है। अरे हाँ, आज मुझे पेंसिल मिली थी। राहुल ने उस पेंसिल को निकाला, उसे अपने रुमाल से साफ किया और शार्प किया। अरे मुझे भूख लगी है, लेकिन अब ये होमवर्क करना ही पड़ेगा। जैसे ही उसने अपनी किताब खोली, पेंसिल अपने आप उड़ने लगी। पेंसिल सारा होमवर्क अपने आप करने लगी। अरे बाप रे, ये पेंसिल तो अपने आप मेरा होमवर्क कर रही है। होमवर्क खत्म हुआ और पेंसिल रुक गई। अब मैं बाकी का सारा होमवर्क भी इसी से करवाता हूँ। और राहुल ने बाकी की सारी किताबें भी खोल के रख दी और देखते ही देखते सब होमवर्क कंप्लीट हो गया। अरे वाह, मेरा सारा होमवर्क खत्म हो गया। माँ माँ, मुझे खाना दे दो, मैंने सारा होमवर्क खत्म कर दिया। इतनी जल्दी? हाँ, मेरे हाथ में जादू है। कम से कम तुमने होमवर्क तो किया। अगले दिन राहुल अपना होमवर्क लेके स्कूल गया। सभी अपना होमवर्क निकालो और तुम क्लास के बाहर जाओ और सजा। लेकिन मैंने अपना होमवर्क किया है। क्या सच में? ये देखिए। टीचर राहुल का होमवर्क देख के दंग रह गई। बहुत खूब राहुल, बहुत अच्छे। राहुल बहुत खुश हुआ। कक्षा खत्म हुई और अब साइंस टीचर आई। उन्होंने बच्चों से होमवर्क मांगा। होमवर्क निकालो सब। ये लीजिए सर, मैंने अपना होमवर्क किया है।
साइंस टीचर चौंक तो गए थे, पर उन्हें लगा दाल में कुछ काला है। बहुत अच्छे, अगर तुमने ये होमवर्क किया है तो ये बताओ बारिश कैसे होती है। वो राहुल फंस चुका था, वो सर में भूल गया। अच्छा, मम्मी को बोलो कल से तुम्हें बादाम खिलाएं। और मुझे पता है ये होमवर्क तुमने नहीं किया है। अब राहुल थोड़ा डरा हुआ था और गणित की कक्षा शुरू हुई। अरे वाह राहुल, तुम्हारे तो सभी जवाब सही हैं। चलो अब ये सब बोर्ड पे सॉल्व करो। वो मैम, मुझे ना चौक से एलर्जी है, मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकता। ठीक है, तो अपनी बुक में ही करके दिखा दो। राहुल बुक में सॉल्व करने को बैठ गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम्हें नहीं आता ना? मुझे पता था कि तुमने ये किसी और से करवाया है। अब अपनी डेली बुक दिखाओ और कल इस पे अपनी मम्मी के हस्ताक्षर लेकर आना। राहुल का पूरा उत्साह अब जा चुका था। वो घर पहुंचा और उसने माँ को सब कुछ सच सच बता दिया और रोने लगा। बेटा राहुल, तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए। हाँ माँ, मैं अब से अपना सारा होमवर्क खुद करूँगा। इसके बाद राहुल ने अपना सारा होमवर्क खुद किया, और अब जब भी टीचर कोई सवाल पूछती, राहुल के पास उनका जवाब हमेशा होता। बारिश कैसे होती है? बारिश जल चक्र की वजह से होती है। राहुल ने मैजिक पेंसिल को जमीन में गाड़ दिया, क्योंकि उसने अपना सबक सीख लिया था कि उसे अपनी पढ़ाई और होमवर्क खुद ही करनी चाहिए। इस तरह मैजिक पेंसिल ने राहुल को पढ़ने का मार्ग दिखाया, और अब राहुल स्कूल में प्रथम आने लगा। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और हाँ, इस चैनल